नमस्कार दोस्तों एम एजॉप्स ऑफिशियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भूगोल मतलब कि जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये अगर हम बात इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र की करते हैं तो भूगोल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो मिलना ज़रूर है तो आइए मैं उन हम लोग उन्हीं प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था वो एग्ज़ाम आपका एएलपी का था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको याद ही होगा गंगा तेरा पानी अमृत यहाँ से आप याद कर सकते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं याद करने का सिंपल सा तरीका इसी के सुंदरीकरण के लिए भी जो है कि काफ़ी प्रयास केंद्र सरकार ने किया है तो सुंदरवन जो नदी बनाती है वो है गंगा उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जिसे होम स्टेक कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है तो है दक्षिणी डकोटा में उसके बाद एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वह है एकांका गुआ एकांका गुआ जो है वह की सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है तो अधिकांश पठारी भागों में हमेशा एक बात आपको याद रखना है उत्खनन खोदने का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है ठीक है तो पठारी भागों में ये काम काफ़ी ज़्यादा होता है इस बात को हमको ध्यान रखना है उसके बाद मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है तो ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है तो ये हेलीफैकस से होकर के बैंकुअर तक जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नीस में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है इसका भी फॉर्म निकलने वाला है देहरादून से ही क्लर्क के लिए निकलने, निकलने वाला है फॉर्म इसका जल्द ही निकलने वाला है तो इसके लिए भी आप अपडेट होते रहे हमारे चैनल पे जैसे ही देहरादून से भारतीय वन सर्वेक्षण से आपका फॉर्म निकलेगा क्लर्क के लिए निकलने, निकलने वाला है क्लर्क के लिए आ, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास ट्वेल्थ है और टाइपिंग स्पीड भी है इसमें थर्टी फाइव जो है कि पर मिनट थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इसमें चाहिए तो ये जो है कि आ, है सो ये कहाँ पर स्थित है तो ये देहरादून पर है ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियों किस देश में तो स्थित है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ के समय राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड अंकल हैं डोनाल्ड ट्रंप चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो कि बारा लाचाला दर्रा उसके बाद भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है तो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में हीरा कुकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है तो हीरा कुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है रवांडा की राजधानी क्या है तो रवांडा की राजधानी की गाली है माउंट एटना किस पर्वतमाला पर स्थित है तो सिसली इटली उसके बाद ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है तो यह मोर डलीग जिसका जो है कि पूरा क्षेत्र वो तीन हज़ार सात सौ सत्रह किलोमीटर का है ग्रीन लैंड की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट पेरी ने जो है कि ग्रीन लैंड की खोज किया था इन्होंने सो so फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही तकरीबन बीस क्वेश्चन हम लोगों ने दस क्वेश्चन के लगभग हम लोगों ने सोलह क्वेश्चन हैं इसमें हम लोगों ने क्लियर किया जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हम लोगों ने केवल तकरीबन तीन से चार या पाँच मिनट के अंदर इस चीज़ को हमने क्लियर किया है छोटे छोटे वीडियोज़ जो कि कम समय के हैं आप उनको ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि पाँच मिनट में अगर आप पाँच क्वेश्चन दस क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं जो कि आपको कंठस्थ हो जाए आपके दिमाग में बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है सो फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बस कुछ ही देर में अपलोड करने वाले हैं बने रहे हमारे साथ धन्यवाद